मौजूदा T20 वर्ल्ड कप में लगातार अंपायरिंग को लेकर कई विवाद खड़े हो रहे हैं। सुपर 12 राउंड में एक नहीं कई ऐसे मौके आए जब अंपायर्स को कटघरे में खड़ा किया गया। वहीं रविवार को यानी 6 नवंबर को पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच हुए मुकाबले के बारे में बात करें तो जो जानकारी निकल कर सामने आई है उसमें गलती फील्ड अंपायर से नहीं बल्कि थर्ड अंपायर से हुई। बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन पहली गेंद पर आउट दिए गए और खास बात यह है कि उन्होंने रिव्यू लिया और थर्ड अंपायर लैंगटन रुसेले ने भी उन्हें आउट दे दिया, जबकि रिपोर्ट्स के अनुसार गेंद बल्ले से लगकर पैड पर लगी थी। नमस्कार, आप देख रहे हो जागरण.com। मैं हूं आपके साथ दीप माला और इस वीडियो में हम इसी विवाद के बारे में बात करेंगे कि आखिर शाकिब अल हसन को आउट देने में किसकी गलती थी। अब अगर पूरे मामले की बात करें तो बांग्लादेश को सदाब खान ने पहले दूसरे झटका देते हुए सौम्य सरकार को आउट किया। इसके बाद क्रीज पर आए बांग्लादेशी कप्तान शाकिब अल हसन पहली ही गेंद पर बीट हो गए और LBW यानी लेग बिफोर विकेट की अपील पर अंपायर ने उन्हें आउट दे दिया। शाकिब ने इस फैसले के खिलाफ रिव्यू लिया और रिप्ले में कुछ ऐसा दिखा जो शायद थर्ड अंपायर को नहीं दिख पाया। रिपोर्ट्स के अनुसार गेंद साफ साफ रिप्ले में शाकिब के बल्ले से लगते हुए पैड पर लग रही थी, लेकिन थर्ड अंपायर को लगा कि बैट जमीन पर लगा है। शाकिब को थर्ड अंपायर द्वारा इस तरीके से आउट देने के बाद सोशल मीडिया पर काफी बवाल मच गया है। बांग्लादेश के फैंस ही नहीं क्रिकेट लवर भी इसके ऊपर अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए दिखे। इस अहम मुकाबले में इस तरह के फैसले को एक यूजर ने तो क्रिमिनल एक्ट तक ठहरा दिया, वहीं दूसरे लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट को चीटर और अंपायर्स को खरीदने जैसी बातें भी लिख डाली। लगभग सभी ने बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन को अनलकी भी बताया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए जागरण.com के साथ। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि सारी अपडेट्स आपको इसी प्रकार से मिलती रहें।